सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा, आया मीठी हवा का फेरा, चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा। जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न को। गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से व्यंजन का अभ्यास करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। आपको भी मेरे साथ बोलना है, ठीक है? व्यंजन क, क से केला, क से कछुआ, क से किसान, क से कुम्हार, क से कक्षा। व्यंजन ख, ख से खिलौना, ख से खाना, ख से खीरा, ख से खंभा, ख से खजूर। व्यंजन ग, ग से गहना, ग से गरम, ग से गरीब, ग से गाय, ग से गमला। व्यंजन घ, घ से घर, घ से घड़ा, घ से घड़ी, घ से घोड़ा, घ से घंटी। व्यंजन ङ, इससे कोई शब्द नहीं बनता। तो बच्चों अब है एक्टिविटी का टाइम। पहले एक एक्टिविटी करेंगे, फिर हम नोटबुक के अंदर व्यंजन लिखेंगे, फिर मैम आपको वर्कशीट का सॉल्यूशन देंगी। ओके, अरे वाह, ये क्या है बच्चों? रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी के ऊपर क्या लिखा है? व्यंजन है सारे, है ना? व्यंजन ख, न, ग, घ और क। तो हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में? रेलगाड़ी के डिब्बे में सारे व्यंजन को बैठना है, पर अब कौन बैठेगा पहले डिब्बे में, फिर दूसरे डिब्बे में? कौन बताएगा? जिस व्यंजन की बारी पहली आती है, उस व्यंजन को हम पहले बिठाएंगे। तो पहला व्यंजन कौन सा आएगा? क। तो हम पहले डिब्बे में किसको बिठा देंगे? व्यंजन क को। अब क के बाद किसकी बारी है? ख की। गुड, तो ख भी बैठ गया। अब ख के बाद कौन बैठेगा? जी हाँ, व्यंजन ग। ग भी बैठ गया भाई। अब ग के बाद कौन बैठेगा? कौन सा व्यंजन? घ। वेरी गुड, घ भी बैठ गया। अब कौन रह गया बाकी? व्यंजन ङ। तो सारे व्यंजन बैठ गए भाई। रेलगाड़ी चलाएंगे हमारी छुक छुक करके। चलो बोलो मेरे साथ सब लोग, क, ख, ग, घ, ना। रेल चली भाई, रेल चली। बच्चों आज फिर से हम नोटबुक में लिखेंगे। आज की डेट है 2929-9-2020। तो चलो व्यंजन लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ब्लू लाइन टू थर्ड ब्लू लाइन स्टैंडिंग लाइन, गो अप टिल सेकंड ब्लू लाइन, देन मेक अ सर्कल और दूसरी साइड का बनाकर नीचे आना है और ऊपर शिरोरेखा। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ब्लू लाइन, मेक अ रिवर्स सी कर्व, अगेन मेक अ कर्व एंड टच द थर्ड ब्लू लाइन, गो अप कम डाउन, वापस सेकंड ब्लू लाइन तक ऊपर जाना है, फिर सर्कल बनाना है और ऊपर
शीरो रेखा व्यंजन ख व्यंजन ग स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ब्लू लाइन मेक अ स्टैंडिंग लाइन सेकेंड ब्लू लाइन के थोड़े नीचे जाकर सर्कल बनाकर अंदर की ओर स्लीपिंग लाइन थोड़ी जगह छोड़ के स्टैंडिंग लाइन और ऊपर शीरो रेखा व्यंजन ग व्यंजन घ फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक सी कर्व अगेन कर्व गो अप कम डाउन और ऊपर क्या बनाएंगे शीरो रेखा पर आपको याद रखना है कि ये कर्व हमें नीचे ब्लू लाइन को टच नहीं कराना है व्यंजन घ व्यंजन ng फर्स्ट ब्लू लाइन से छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बना के सी कर्व देन रिवर्स सी कर्व थर्ड ब्लू लाइन को टच करा के थोड़ा ऊपर ले जाना है थोड़ी जगह छोड़ के एक डॉट बनाएंगे और ऊपर शीरो रेखा फर्स्ट ब्लू लाइन टू थर्ड ब्लू लाइन स्टैंडिंग लाइन गो अप टिल सेकंड ब्लू लाइन देन मेक अ सर्कल और दूसरी साइड कर्व बनाकर नीचे आना है और ऊपर शीरो रेखा स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ब्लू लाइन मेक अ रिवर्स सी कर्व अगेन मेक अ कर्व एंड टच द थर्ड ब्लू लाइन गो अप कम डाउन वापस सेकेंड ब्लू लाइन तक ऊपर जाना है फिर सर्कल बनाना है और ऊपर शीरो रेखा व्यंजन ख व्यंजन ग स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ब्लू लाइन मेक अ स्टैंडिंग लाइन सेकेंड ब्लू लाइन के थोड़े नीचे जाकर सर्कल बनाकर अंदर की ओर स्लीपिंग लाइन थोड़ी जगह छोड़ के स्टैंडिंग लाइन और ऊपर शीरो रेखा व्यंजन ग व्यंजन घ फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक सी कर्व अगेन कर्व गो अप कम डाउन और ऊपर क्या बनाएंगे शीरो रेखा पर आपको याद रखना है कि ये कर्व हमें नीचे ब्लू लाइन को टच नहीं कराना है व्यंजन घ व्यंजन ng फर्स्ट ब्लू लाइन से छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बना के सी कर्व देन रिवर्स सी कर्व थर्ड ब्लू लाइन को टच करा के थोड़ा ऊपर ले जाना है थोड़ी जगह छोड़ के एक डॉट बनाएंगे और ऊपर शीरो रेखा बच्चों इस तरह से आपको पूरा पेज व्यंजन लिख के कंप्लीट करना है व्यंजन को पहचानो और उसको सही चित्र से जोड़ो फर्स्ट व्यंजन है क क से कमल फिर कौन सा व्यंजन है ख ख से क्या होगा खरगोश वेरी गुड हम उसे खरगोश के साथ जोड़ देंगे फिर व्यंजन है ग ग से क्या होगा गमला तो हम उसे गमले के साथ जोड़ देंगे फिर व्यंजन है घ घ से घर तो हम उसे घर के साथ जोड़ देंगे है ना ऐसे हमारी वर्कशीट सॉल्व हो गई तो मेरे प्यारे बच्चों घर पर प्रैक्टिस करते रहो ठीक है बाय बाय हैव अ नाइस डे